Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Start. उक्त संपत्ति में अपने आधे अंश को वादी को 18,000 रुपए की रकम के प्रतिफलार्थ बेचने के लिए राजी हो गया और वादी ने उसको अग्रिम विक्रय प्रतिफल के रूप में 14,000 रुपए का संदाय कर दिया और तारीख 28 दिसंबर 1992 का विक्रय करार निष्पादित कर दिया और उसको रजिस्ट्रीकृत भी करा दिया। तत्पश्चात करार में 2 वर्षों की अवधि शेष विक्रय प्रतिफल का संदाय फिर किए जाने के पश्चात विक्रय विलेख के निष्पादन के प्रयोजनार्थ उपबंधित की गई थी। वादी ने प्रतिवादी से विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने के लिए निरंतर रूप से अनुरोध किया, किंतु प्रतिवादी उसका अनदेखा करता रहा और बाद में उसने वादी के समक्ष यह शर्त रखी कि यदि वह उसकी शेष आदि संपत्ति खरीदने के लिए इच्छुक है तो वह संपूर्ण संपत्ति का विक्रय विलेख निष्पादित कर देगा। तदनुसार पक्षों के मध्य तारीख 28 दिसंबर 1994 का एक अन्य रजिस्ट्रीकृत विक्रय करार निष्पादित किया गया और दोनों पक्षों के मध्य यह सहमति हुई कि विक्रय विलेख 2 वर्षों के भीतर निष्पादित कर दिया जाएगा। 18,000 रुपए के विक्रय प्रतिफल के लिए सहमति हुई थी और वादी द्वारा प्रतिवादी को 14,000 रुपए पुनः अग्रिम विक्रय प्रतिफल के रूप में दिए गए। वादी ने प्रतिवादी से विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने का अनुरोध किया, किंतु प्रतिवादी उसका अनदेखा करता रहा और अंततः वादी ने प्रतिवादी को तारीख 4 जनवरी 1996 की एक सूचना दी, जिसके द्वारा उसने प्रतिवादी से विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने के प्रयोजनार्थ तारीख 16 जनवरी 1996 को मैनपुरी के उप रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की। प्रतिवादी ने सूचना प्राप्त होने पर विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय मांगा, किंतु वह अपनी बात से पुनः मुकर गया। वादी ने तारीख 31 अक्टूबर 1996 को प्रतिवादी को पुनः एक सूचना भेजी, जिसको प्रतिवादी ने वापस लौटा दिया और यह सूचना तारीख 8 नवंबर 1996 को वादी द्वारा वापस प्राप्त की गई। वादी ने प्रतिवादी को तारीख 18 नवंबर 1996 की तीसरी सूचना भेजी, जिसके द्वारा उसने प्रतिवादी से विक्रय विलेख तारीख 30 नवंबर 1996 को निष्पादित किए जाने की अपेक्षा की। पैराग्राफ चेंज। किंतु प्रतिवादी ने सूचना प्राप्त करने से पुनः इनकार कर दिया। वादी विक्रय विलेख निष्पादित कराए जाने के लिए सदैव तैयार और इच्छुक था और उसके पास धन भी तैयार था, किंतु प्रतिवादी ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया और इसीलिए यह वाद संस्थित कराया गया। निर्णीत किया गया कि तारीख 28 दिसंबर 1992 का विक्रय करार ऋण के बदले में निष्पादित किया गया था और प्रतिवादी द्वारा तारीख 28
1994 का विक्रय करार वादी के पक्ष में 14,000 रुपये स्वीकार किए जाने के पश्चात निष्पादित किया गया था। वादी तारीख 28 दिसंबर 1992 के करारों के मतावलंबन में विक्रय विलेखों को निष्पादित कराए जाने के प्रयोजनार्थ सदैव तैयार और इच्छुक था। सिविल न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में निर्णीत किया गया कि वाद तारीख 28 दिसंबर 1992 के प्रथम विक्रय करार के संबंध में समय सीमा द्वारा बाधित नहीं है, क्योंकि तारीख 28 दिसंबर 1992 का प्रथम करार 14,000 रुपये के ऋण जिसका पूर्ण संदाय प्रतिवादी द्वारा वादी को नहीं किया गया सुरक्षित किए जाने के प्रयोजनार्थ निष्पादित किया गया था, इसलिए प्रतिवादी को वादी को 2 माह के भीतर 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 14,000 रुपये की रकम लौटाए जाने के लिए निर्देशित कर दिया और यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि तारीख 28 दिसंबर 1994 का विक्रय करार विधिमान्य है और इसलिए वादी के संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री का हकदार अभी निर्धारित किया गया और वाद को प्रतिवादी को यह निर्देश देते हुए डिक्री कर दिया गया कि वह वादी के पक्ष में तारीख 28 दिसंबर 1994 के विक्रय करार के अनुसार 2 माह के भीतर विक्रय विलेख निष्पादित कर दे। प्रतिवादी ने विचारण न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर निचले अपील न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील फाइल की और प्रथम अपील न्यायालय ने निचले अपील न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में 12% वार्षिक ब्याज के साथ 14,000 रुपये लौटाए जाने के संबंध में पारित विचारण न्यायालय की डिक्री को भागत यह अभी निर्धारित करते हुए पलट दिया गया कि यह रकम ऋण स्वरूप प्रदान की गई थी और निचले अपीली न्यायालय द्वारा वादी का वाद तारीख 28 दिसंबर 1992 और 28 दिसंबर 1994 के विक्रय करारों के मतावलंबन में वादी के पक्ष में 2 विक्रय विलेख निष्पादित किए जाने के प्रयोजनार्थ पूर्णतः डिक्री कर दिया गया। प्रतिवादी ने प्रथम अपीली न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री से व्यतीत होकर यह द्वितीय अपील फाइल की। द्वितीय अपील मंजूर करते हुए कोर्ट का आदेश रद्द किया गया। स्टॉप। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।